दिस इज अली बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। ओके सो बेसिकली मुझे एक दो लोगों का कमेंट है कि आप अपनी जो मॉडिफाइड CBR है ये वाली उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाओ, एंड मैं सोचा कि वो जो प्रॉपर वीडियो थोड़ा बोरिंग सा हो जाएगा। सो मैंने क्या किया, एक स्टॉक CBR लेके आया अपने साहिल भाई की, जो अब मैं कंपेयर करूंगा स्टॉक CBR वर्सेस मॉडिफाइड CBR, फुल्ली मॉडिफाइड नहीं मोस्टली मॉडिफाइड CBR, एंड इतना ही होने वाला है इस वीडियो में। सो यहाँ वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करो, एंड तक देखो, नहीं लेट्स गो स्ट्रेट टू द वीडियो। सो लेट्स गो। तो ये है मेरे पास CBR 150R, दोनों के दोनों BS3 मॉडल्स है, एंड ये पूरी स्टॉक है, ये अपने साहिल भाई की और ये अपनी CBR मेरी वाली 150R। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मॉडिफिकेशन के ऊपर। सो सबसे पहले मॉडिफिकेशन जो दिख के आता है सामने से वो है यहाँ पर जो स्टॉक वाइजर है ये, इसके ऊपर फिल्मिंग की गई है, बाकी ये क्लियर आता था पहले। एंड यहाँ पर मैंने ये जो है ना, ये बबल वाइजर है, एक्चुअली 250R का है, एंड मैंने कैसा तो जुगाड़ करके 150 में लगाया। तो सबसे पहले मॉडिफिकेशन ये था गाड़ी के ऊपर। वहाँ से नीचे आते तो यहाँ पर हल्का सा रैप किया हुआ है मैंने ब्लैक, उधर ग्रीन आता है नॉर्मल में, एंड इसके ऊपर मैंने ब्लैक रैप किया है, प्लस मैंने इसके ऊपर लगाए थे LED लाइट वाले इंट्स लगाए थे, जो कि भाई जिन्हें पता है मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें टूट गए। सो थोड़ा बहुत गाड़ी में थोड़ा बहुत टूटी हुई चीज़ें तो उसको इग्नोर करो, गाड़ी बनाने का प्रोसेस चालू है एंड पूरी तरीके से बनी नहीं है गाड़ी। एंड उसके नीचे बात करते हो तो यहाँ पर ये जो मेरी हेडलाइट है ये स्मोक्ड है, यहाँ पर एजेंसी ये क्लियर है, एंड इसके ऊपर मैंने स्मोक्ड एक टिंट एक रैप किया है इसके ऊपर, एंड ये था फ्रंट व्यू। नीचे आते थोड़ा तो यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर जो स्टॉक CBR है उसमें आता था हैलोजन इंडिकेटर्स, यहाँ पर मैं स्ट्रॉबेरी इंडिकेटर्स इंस्टॉल किए, फ्लश माउंट इंडिकेटर्स भी बोल सकते हैं इनको, एंड ये मैंने इंस्टॉल किए हैं। एंड अगर ऊपर आते जो है स्टॉक CBR में नॉर्मल ग्रिप्स आते हैं होंडा की तरफ से, एंड यहाँ पर मैंने आफ्टर मार्केट प्रो टेपर के ग्रिप्स इंस्टॉल किए जो कि काफ़ी अच्छी ग्रिपिंग प्रोवाइड करते हैं फॉर द राइडर। बात करते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर एज यू कैन सी ये बहुत ही अच्छा मॉडिफिकेशन किया है मैंने, ये है ब्रेम्बो इंस्पायर्ड हाइड्रोलिक क्लिक मास्टर सिलेंडर भी देखने मिलता है, जो कि ये हाइड्रोलिक है, यहाँ से एयर पास होती है विद एडजस्टेबल लीवर्स, एज यू कैन सी यहाँ से एडजस्ट हो सकते हैं ये लीवर्स, एंड यहाँ पर विथ एडजस्टेबल क्लच, नॉर्मल क्लच है ये, हाइड्रोलिक क्लच नहीं है। एंड जो स्टॉक में बात करते हैं स्टॉक में नॉर्मल क्लच आता था, नॉर्मल क्लच विथ नॉर्मल ब्रेक्स, इसमें आपको मास्टर सिलेंडर देखने मिलता है कॉज आगे डिस्क है। सो बात करते हैं कॉस्मेटिक मॉडिफिकेशन की, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत लिक्वी मोली HRC प्लस थोड़ा फैल्कन के स्टिकर्स मैंने इंस्टॉल किए हैं, एंड उसमें बेसिकली ऐसा कुछ आता नहीं था होंडा की तरफ से। बात करते हैं पीछे के इंडिकेटर्स की, तो भाई स्टॉक में एज आई सेड भाई हैलोजन इंडिकेटर्स आते थे, एंड मेरी जो CBR है इसमें मैंने LED इंडिकेटर्स इंस्टॉल किए हैं, ये है RR310 के इंडिकेटर्स हैं। एंड और बात किए तो यहाँ पर टेल ऐसी दिखती थी CBR की स्टॉक में, एंड यहाँ पर मैंने टेल टैडी किया है प्रॉपर, मैंने इसका पूरा वीडियो एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो मैंने हाउ टू इंस्टॉल टेल टैडी इन CBR 150R मैंने पूरा यूट्यूब पे अपलोड किया है, फर्स्ट ऑन यूट्यूब है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल के अंदर जाके। एंड नीचे बात करते हो जब स्टॉक CBR रहती थी उसमें आता था 130/70/R17 का टायर आपको आता था स्टॉक में, तो मैंने यहाँ पर वो हटा के थोड़ा एक 10mm से साइज़ अपग्रेड किया है, तो ये है 140/70/R70 का टायर। सो ये मैंने साइज़ अपग्रेड किया है, एंड अब टायर के बाजू में बात की तो ये है मेन मॉडिफिकेशन, ये है एक्रोबॉबिक का हेक्सा एग्जॉस्ट जो कि स्लिप ऑन है डिकार्ड करके लगाया मैंने, एंड ये मास्टर कॉपी है जो मार्केट में वो फर्स्ट कॉपी पे आता है, वो थोड़ा बेकार से साउंड करता है वो फटता है हाई RPM पे, ये नहीं फटता, ये एकदम प्योर साउंड करता है। अभी सुनते हैं दोनों का एग्जॉस्ट नोट, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसा साउंड करता है एक्रोबॉबिक हेक्सा ऑन CBR 150R डिकार्डेड। स्टॉक CBR का एग्जॉस्ट नोट तो ये थी स्टॉक CBR 150R की साउंड, अभी सुनते हैं हम अपना एक्रोबॉबिक हेक्सा का एग्जॉस्ट नोट। एंड एज यू कैन सी मैंने नीचे अंडरबेली पे एक होंडा का ब्रांडिंग किया है, स्टिकर्स लगा जो कि काफी अच्छा लग रहा है, एंड इस पे स्टॉक पे नहीं आता था। इतना था इस वीडियो में, आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो, एंड जैसे कि मैंने कहा आप कमेंट करो मैं वो टॉपिक के वीडियो लेके आऊँगा, आप कमेंट नहीं करते हो, आप कमेंट करो आपको जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो टॉपिक आप कमेंट करो। एंड इतना था इस वीडियो में, एंड जिसने मुझे अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो क्या कर रहा है, मैं इंस्टा हैंडल इधर किधर तो स्क्रीन पर डिस्प्ले रहेगा, जाके फॉलो करो, लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो करो, एंड विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए
राइट सेफ एंड यार पीस आउट।